Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's start. एक मिनट वेट करते हैं सब लोगों को आने दीजिए 10 मिनट का वेट करते हैं एटलीस्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं सब लोग बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो एडमिट एक्चुअली आप लोग वेट करा करें मैं आपको एडमिट कर लिया करूंगा तो मैंने एक ऑप्शन ऑन किया है आप इन करेंगे तो उसके बाद आपको वेट करना होगा वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा कि द स्पीकर या होस्ट विल एडमिट यू तो आप वेट करा करें मैं आपको एडमिट कर लूंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप कनेक्ट नहीं हुआ आप कनेक्ट हो गए बस मैंने आपको एडमिट नहीं किया इट्स लाइक अ क्लास ठीक है तो जब तक आप मेन मैं आई कम इन नहीं बोलेंगे मैं परमिशन नहीं दूंगा तो आप अंदर नहीं आ सकते बस वैसा है कुछ और कुछ नहीं तो उसको ध्यान रखें परेशान ना हो उसको लेके कोई ऐसा है जिसको वॉइस नहीं आ रही है मेरी वो अपना हाथ उठा सकता है अभी हैंड रेस का ऑप्शन आता है वहां पे चैट बॉक्स में या कहीं पर भी यस हम उसको ड्रॉप कर सकता है ठीक है मैं गुड मॉर्निंग उपेंद्र मेरे पास चैट बॉक्स ओपन है चैट बॉक्स में और या फिर अलग से आप हैंड रेस का ऑप्शन आता है वहां पे आप वहाँ हैंड रेस करके मुझको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर वॉइस नहीं आ रहा है ठीक तो अगर किसी को वॉइस नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं अभी बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग तो उसके उससे पहले बता दीजिए कि अगर कोई ऐसा है जिसको वॉइस या कुछ नहीं आ रहा है मॉर्निंग पूजा 37 आने दीजिए अभी दो दो चार मिनट और लोगों को सारे एडमिट हो जाएंगे वी आर है अभी 37 पार्टिसिपेंट तो अभी लोग आ रहे हैं अभी आने दीजिए उनको उपेंद्र तुम्हारी ऑनलाइन वर्किंग टाइमिंग क्या है सुबह 8:30 से या 10:30 से कब से स्टार्ट होता है तुम्हारा टाइमिंग उपेंद्र मैंने तुमको अनम्यूट किया तुम्हारा टाइमिंग कितने बजे से स्टार्ट होता है उपेंद्र सर एक्चुअली मेरी क्लासेस वो सर मेरा ऑफिस आवर्स जो होते हैं 12:30 तक होते हैं सर दोपहर में कितने बजे से मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट सर वो तो मॉर्निंग में 3:30 स्टार्ट होता है सर 3:30 यस सर चलो फिर देखते हैं फिर करते हैं कोशिश या फिर आप दोपहर के बाद 12:30 1 बजे के बाद रख लेंगे कल से एक बार चंद्र प्रभु को आंदो उसका भी टाइमिंग ठीक है ठीक है सर कोई इशू नहीं है और किसी को कोई प्रॉब्लम आवाज सबको आ रही है आज जी सर कोई ऐसा जिसको आवाज नहीं आ रही हो सबको आ रही है सुबह सुबह 4 बजे से रख लें कोई इशू तो नहीं है मैं तो उठ ही जाता हूँ कितने लोग रेडी है सुबह 4 बजे से शिवानी सोच रही है कि नहीं हो सकता मेरे साथ पॉसिबल है ना ठीक है तो शिवानी हो सकता है कल या परसों शेड्यूल सुबह 4 बजे का आएगा तो ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है कि मैं तुमको देख सकता हूँ कि तुम लोग सुबह 4 बजे उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो और सुबह 4 बजे अगर बिना कोई नहाए धोए सामने बैठा तो उसकी उसको मैं यहाँ से इजेक्ट कर दूंगा है ना चलिए लेट अस स्टार्ट विद वी वर डूइंग आर्टिकल 368 चलो शैश्री दुबे आ गई है एक दो और आने दीजिए कितने पार्टिसिपेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं 40 वी आर हैविंग 10-20 लोग हमेशा गायब ही रहते हैं क्या बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्लासेस चल रही है प्लीज कुछ लोगों को जिनके आप कोई दोस्त है आपको उसको पता नहीं है उसे बता दीजिए वो सोच रहा है कि हम जो उसको ये अपडेट भेज रहे हैं उसको लग रहा है कि कोई ऐसी फालतू का कोई लिंक आ रहा है इट्स नॉट फालतू का लिंक इन्फॉर्म देम वैसे ग्रुप पे सारे लोग हैं सबको टेक्स्ट भी जा रहा है फिर भी अगर आप इससे कोई बात है और वो नहीं क्लास ले रहा है आपका कोई फ्रेंड है और जो करंट क्लासेस में है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि प्लीज ये ऑनलाइन क्लासेस का लिंक है आप इस पे आइए क्लासेस चल रही है राइट चलिए वी वर डूइंग आर्टिकल 368 का कल हमने
दो प्रोविजंस को वी हैव अंडरस्टैंड इट द टू प्रोविजंस. तो हमने एक तो फर्स्ट क्लॉज पढ़ा था और हमने पढ़ा था इट्स अ नॉट विदस्टैंडिंग क्लॉज. और ये क्लॉज कैसे आया था, दिस क्लॉज हैज कम बाय 24th अमेंडमेंट 1971. और हमने इसको पूरा डिटेल में इसको पढ़ा था. ठीक है, क्विज एक मिनट रुकिएगा बस मेरे पास. चलिए देखिए एक चीज तो ये, प्लीज डू नॉट शेयर दिस लाइव वीडियो. कल भी यहाँ पे दो लोग ऐसे थे जो हमारी क्लास के नहीं थे. ठीक है, डू नॉट स्टार्ट शेयरिंग दिस लिंक टू विद समवन एल्स. तो अपने दोस्तों से शेयर मत कीजिए, मेरे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे. डू नॉट शेयर विद योर दिस फ्रेंड्स. ठीक है, ये हमारी क्लास के लिए स्पेशली मैंने लिया है बिकॉज मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, मुझे मिल जाता है कि कौन की. इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि पीपल मस्ट कम विद देयर नेम. अब कल से जो मेरे इस नाम से नहीं आएगा मैं उसको अलाउ भी नहीं करूंगा. ठीक है, अगर वो मेरे नाम से आता है तो मैं उसको अलाउ करूंगा. चलिए कोई इशू नहीं. तो वी हैव डन दिस. ये 24th अमेंडमेंट से आया था और हमने इसको पढ़ा था कि ये ओवरराइडिंग क्लॉज है. और इस ओवरराइडिंग क्लॉज की वजह से क्या पढ़ा था कि दिस 368 गिव द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ वेरिएशन एडिशन और रिपीट. ठीक है, टू अमेंड बाय वे ऑफ वेरिएशन एडिशन और रिपीट किसी भी तरीके से आप कर सकते हो ये पावर टू पार्लियामेंट. एंड दिस अमेंडमेंट इज टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है. फिर हमने इसके प्रोसेस को पढ़ा था और जब हमने इसके प्रोसेस को पढ़ा था तो हमने बोला था इसका प्रोसेस टू टाइप के अमेंडमेंट्स की बात करता है. एक स्पेशल अमेंडमेंट That is special amendment by special majority. यही चीज है ना बस. I said yesterday. ये जो लोग मेरे को नाम से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, how can I got to know कि ये है कौन? विकास कल से अपना नाम के साथ ज्वाइन करना. ठीक है बेटा, ये 1212HBY ये नहीं चलेगा, अपना नाम लिख ले उस पर. ठीक है,
विकास समझ में आया? चलिए स्पेशल अमेंडमेंट की बात की, और स्पेशल अमेंडमेंट मीन स्पेशल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी. व्हेन आई से स्पेशल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, तब हमने इसको समझा कि सिंपल मेजोरिटी प्लस टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. और हमने बात की कि ये जो स्पेशल अमेंडमेंट ये रिलेट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करते हैं, ये क्लॉज टू में दे रखा है. क्लॉज टू प्रोसेस सेम वे बोलते हैं, देयर इज अनदर, ये आल्सो दिस इज आल्सो स्पेशल अमेंडमेंट बाय रेक्टिफिकेशन. और हमने समझा कि स्पेशल अमेंडमेंट बाय रेक्टिफिकेशन है क्या, ये है दिस टॉक अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी प्लस टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट वोटिंग बाय बोथ हाउसेस. ये भी बाय बोथ हाउसेस याद रखो, बाय बोथ हाउसेस प्लस रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन मीन अप्रूवल. प्लस रेक्टिफिकेशन अप्रूवल हाफ ऑफ हाफ ऑफ स्टेट मेजोरिटी. राइट, ये हमने कल पढ़ा था. तो सब लोगों के पास प्लीज बेयर एक्ट है, और बेयर एक्ट को अपने पास रखेंगे. अब शुरू करते हैं इसको प्रोसेस को समझने की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस. तो जो हमने कल पढ़ा था वहीं से एक सवाल प्रोसेस करते हैं कि हमने ये कल पढ़ा कि ये प्रोसेस है और दिस इज द दिस नॉट विदस्टैंडिंग. क्लॉज वन इज द नॉट विदस्टैंडिंग. तो एक सवाल रेज होता है बिफोर गेटिंग इन टू क्लॉज थ्री. आई एम नॉट गोइंग इन टू क्लॉज थ्री राइट नाउ. मैं एक सवाल रेज कर रहा हूँ, do parliament have power to amend the fundamental? Right of Indian constitution. यहीं पे हम सारी history विस्ट्री सब पढ़ देंगे. तो एक चीज को समझ लीजिए कि हमने अभी जब कल हमने पढ़ा कि इट्स नॉट विद स्टैंडिंग. व्हेन इट इज नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, वी हैव अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज. तो मतलब नॉट विद स्टैंडिंग मतलब क्या, इट ओवरराइड होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करता. और ये आया कब, 1971 में. बट ये सवाल अब मेरे सामने पहली बार आपके सामने रेज कर रहा हूँ कि अगर ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज है तो डू पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन in such a way that the fundamental right of the Indian constitution can be changed. ये जो सवाल था, ये सवाल पहली बार first time was raised. This question was first time raised to the Supreme Court. First time in Sankari Prasad versus Union of India 1951. सबसे पहले इस सवाल को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में रेज किया. इन दिस
in this judgment, First Amendment इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज्ड. पहला अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, याद है किसी को? इट रिलेट टू अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट अमेंडमेंट में जो हमारा फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट से, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या किया था, इट रिमूव्ड फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट वॉज डन, दैट मीन्स अमेंडमेंट वॉज डन इन 1791 फंडामेंटल राइट, और इसको चैलेंज किया. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, समझ लीजिए इस बात को, पहली बार ये पावर कि डू पार्लियामेंट हैव पावर टू अंडर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है या नहीं है, ये पहली बार रेस किया 1951 में. कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1950 में, एक साल बाद ही हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया. जब हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया, तब ये पहली बार क्वेश्चन रेस किया. और ग्राउंड ऑफ क्वेश्चन क्या था, समझिएगा, यहां से बहुत सारे कनेक्शन समझना है हमको. ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या था, ग्राउंड ऑफ चैलेंज को समझने की कोशिश करें. ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या था, ग्राउंड ऑफ चैलेंज था आर्टिकल 13. तो लेट अस गो इनटू आर्टिकल 13, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जितना मैं बोलूंगा उतना पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे. क्लॉज वन, ठीक है, तो सॉरी क्लॉज टू, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज टू पढ़ना, ठीक है, सिर्फ जब तक मैं बोलूंगा तब, उतना नहीं, उसके आगे नहीं पढ़ना. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रोजेस द राइट conferred by this part and any law made in contravention to this clause to the extent of contravention be void. Article 13 the clause 2 kehta hai, state does not have, when say state, state means state has been defined under article 12. State means parliament also, hai na, fundamental right mein defined kiya na section 12 mein state ko, the state include everything. To bolte hai state cannot any law that take away, that take away or abridges the fundamental right of the fundamental right given in the constitution. देखिए, ग्राउंड ऑफ चैलेंज को समझिएगा, वो बोलते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि भैया आर्टिकल 13 बोलता है कि आप हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकते, तो आपने जो राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया वो नहीं कर सकते आप. क्यों? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 368 रीड करेंगे, याद है आर्टिकल 368 आप लेके चलिए, वापस रीड करिए आर्टिकल 368, तो उसमें क्लॉज 1951 में क्लॉज 1 नहीं था. Clause 1 was not there in 1951. 1952 में जो clause 2 है वो clause 1 था. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
नहीं आया समझ में किसी, कितनों को नहीं समझ में आई बात? 19 मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 368 इन 1951, तो आर्टिकल 368 में बदलाव आया 1971 में, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1971, दे आर टॉकिंग 1951 में जजमेंट है ना, तो शंकरी प्रसाद 1951 में बोल मैं 368 टॉक अबाउट द प्रोसेस, उसका मार्जिनल हेड भी क्या था, याद करो कल मैंने आपको मार्जिनल हेड लिखवाया था उसका, उसका मार्जिनल हेड भी क्या था, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका मार्जिनल हेड था द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और द ग्राउंड वॉज चैलेंज दिस वॉज दैट आर्टिकल, दैट आर्टिकल 13 कैन नॉट मेक लॉ, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया, इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है held that the word law, dekhna the word law in article 30 ek minute hold rakhiyega please. क्या हुआ भूपेंद्र, को प्रॉब्लम हो रही है क्या बार बार? तो एक्चुअली आज कनेक्शन का थोड़ा इशू है, तो इसलिए बार बार ना कॉल ड्रॉप हो रही है सर, इसलिए अभी मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो देखता हूँ सर चल जाए तो। कैमरा ऐप ऑफ करके करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कैमरा ऑफ कर दो उसको, तो इजीली हो जाएगा, अगर किसी को विजुअल में इशू होता है तो कैमरा ऑफ करके मोबाइल नेटवर्क पे इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। शुभम क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैंने अनम्यूट किया, बताओ शुभम क्या नहीं समझ में आया? सर ये जो आपने अभी बताया ना, ये ऊपर ग्राउंड वाला जो था, ये मेक एनी लॉ, जो ये चीज बताई है, ये चीज समझ नहीं आया कैसे लिंक था ये? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम क्या हुआ, 1951 में एक लॉ आया जिसने हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट जो था उसको टेक अवे कर लिया, राइट। इस ग्राउंड, इस लॉ के मतलब उसको बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको शंकरी प्रसाद ने चैलेंज किया, और शंकरी प्रसाद कहते हैं कि सर जो फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 है वो गवर्न करता है आर्टिकल 13 से, और आर्टिकल 13 में साफ साफ लिख दिया है कि पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो कोई ऐसा लॉ बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे ले ले, एंड कहते हैं आर्टिकल 13 इज टू बी रीड विद आर्टिकल 368, कह रहे हैं आर्टिकल 13 जो है 368 के साथ रीड किया जाएगा, यानी कि 368 की जो पावर है, 368 में पावर टू अमेंडमेंट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझना, बोलते हैं पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 368 जो है, द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्न करता है किससे, आर्टिकल 13 से, यानी कि पार्लियामेंट कैन मेक और अमेंड द लॉ इन एनी वे but it cannot amend the fundamental right, ठीक है, इस ग्राउंड को चैलेंज किया, उसने ये ग्राउंड चैलेंज किया कि सर जो आर्टिकल 368 है वो गवर्न करेगा आर्टिकल 13 के साथ रीड करके, और आर्टिकल 13 के साथ अगर उसे रीड किया जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 13 को 368 के साथ मैं रीड करूंगा तो पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने की, बट इट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। आया समझ में सबको? प्लीज, नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। व्हाट दे विल, इसको मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दिस, जो बताने वाली बात है, तो क्या इन्होंने क्या पर बोला, बोलते दी
आर्टिकल 368 पावर टू अमेंड इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 30 एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट amend constitution in a manner that abridges or take away fundamental प्लीज समझ आ रहा है सबको यहां तक समझ में आया सब लोगों को रूल आ रहा है समझ में कोई इशू मृदुल बेटा जी मैम चलो अब व्हाट कोर्ट हेल्ड कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कोर्ट हेल्ड दैट 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 द वर्ड लॉ द वर्ड लॉ इज टू बी रीड इन द लाइन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलता है द वर्ड लॉ इज टू बी रेड इन लाइन ऑफ Clause 3 of Article 13. कह रहे हैं आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 3 है उसकी लाइन में इसको रीड करना लेट अस गो इनटू आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 और देखते हैं क्या है बोलते हैं द आर्टिकल बोलते हैं इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर bylaws, rules, regulations, notification, custom, usage in the territory of India, the force of law. Next, B, law in force include law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular manner. What this is, कहते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में साफ साफ डिक्लेयर कर दिया क्या कि the law That the law means the general law. तो बोलते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में इंक्लूड कर दिया that that the word law mean general or legislative law. Whereas वो बोलते हैं if you read बोलते हैं If you read Article 368, then it talk about constitutional law and not general law. कल बताया था ना आपको मैंने कि उसकी कल आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है तो बोलते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है वेयर एज आर्टिकल 13 काय की बात कर रहा है जनरल लॉ की बात कर रहा है एंड देयरफॉर दिस आर्टिकल 368 विल नॉट बी गवर्न्ड बाय आर्टिकल 30 और बोलते हैं देयरफॉर Article 368
will not be governed by Article 30 and hence the Parliament have power to amend the Fundamental ठीक है पहला तो इसका पहला सवाल का हमारा तो पहली बात ये सवाल की डू पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर है यस दे हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट क्या साथ में क्या समझाया उन्होंने तो कहते हैं तो चाहिए आपका ये कंटेंशन है कि आर्टिकल 13 मना करता है पार्लियामेंट को ऐसे लॉ बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे या फंडामेंटल राइट को ब्रेक करे या फंडामेंटल राइट को छोटा करे वो नहीं बना सकता तो आर्टिकल 368 की जो पावर है वो आर्टिकल 13 से रीड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा नहीं है आर्टिकल 13 में पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू मेक लॉज बाय सिंपल लेजिस्लेशन इन अ मैनर दैट इट विल टेक अवे योर फंडामेंटल राइट सिंपल लेजिस्लेशन जो हमने कल पढ़ा था सिंपल अमेंडमेंट्स कह रहे हैं उनको कवर करता है Whereas special amendment, जो constitutional power के amendments है, उनको 13 cover नहीं करता है, उनको article 368 cover करता है, और उसमें उसके पास power, ठीक, ये पहला judgment था, संकरी प्रसाद versus, अभी बहुत पढ़ना है, आपको don't worry, संकरी प्रसाद versus Union of India 1951, कितनों को ये judgment समझ आया, please, जिसको judgment समझ नहीं आया, वो अभी समझ ले, क्यों, क्योंकि मैं इसके आगे फिर इसको change करने वाला, श्री आगे बेटा पीयूष जिसको नहीं आया वो हैंड रेज कर सकता है या फिर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकता है आई एम अ मैसेजर बलजीत आया ठीक ठीक है देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए शुरू से एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन याद रहे सबको कि डू पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सवाल पहली बार कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हैव पावर टू अमेंड Constitution, power to amend fundamental right, FR. तो ये सवाल पहली बार आया 1951 में शंकरी प्रसाद versus Union of India. ये पहली बार शंकरी प्रसाद versus Union of India में आया क्यों आया क्यों क्योंकि इसमें चैलेंज किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट तो फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था इसको हमसे छीन लिया गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया था 368 में उसका अमेंडमेंट हुआ था क्यों क्योंकि फंडामेंटल हमने कल पढ़ा था कि कितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं स्पेशल अमेंडमेंट है फंडामेंटल राइट या कोई भी है वो 368 के थ्रू होंगे तो शंकरी प्रसाद ये कहते हुआ है कि आर्टिकल 368 में आपने जो अमेंडमेंट दिया है जो अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट पे नहीं हो सकता लागू क्यों क्योंकि फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल 13 लगता है क्यों क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि चैप्टर 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसके क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल 13 का कि पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो ऐसा कोई लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट ले ले हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट ले ले ऐसे कुछ बनाने का राइट नहीं है उसके पास तो शंकरी प्रसाद ने दो प्रोविजन को साथ में रीड किया बोलते हैं 368 में पार्लियामेंट के पास पावर टू मेक लॉ है दे सेज दे हैव पावर टू मेक लॉ अमेंड लॉ एंड रिपील कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं बट जो ये वर्ड लॉ है ना 368 का इसको आपको आर्टिकल 13 के साथ रीड करना पड़ेगा एंड द वर्ड लॉ हैज टू बी रीड इनटू द लाइन ऑफ आर्टिकल 13
तो जो 368 का वर्ड लॉ है, जो वर्ड रिपील और लॉ है, एब्रिज टेक अवे ऑफ वर्ड लॉ ऑफ आर्टिकल 368 इज टू बी रीड अलोंग विद आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट है। ये आया शंकरी प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता है दोनों को और कहता है नहीं, ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दो अलग अलग प्रोविजन है, इसको आप एक साथ रीड नहीं कर सकते। क्यों? बोलते हैं कि आर्टिकल 13 जिन लॉज की बात करता है उसने उन लॉज को क्लॉज 3 में एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन करते वक्त बताया कि वो लॉज हैं, वो बाय लॉज हैं जो लेजिस्लेचर जनरली पास कर देते हैं, यानी कि वो लॉज जो सिंपल अमेंडमेंट से आते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, आर्टिकल 13 हो गया, 12 में आ गया था, हमने 73 क्लॉज 2 पढ़ा था, 59(4) पढ़ा था, याद है सब लोगों को? कह रहे हैं ये उन लॉ की बात कर रहा है, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने जनरली बनाती है। बट कहता है अगर वो लॉज, अगर ऐसे लॉज हैं, कैसे? कहते हैं जो पार्लियामेंट 368 में बनाता है, तो कहता है वो जनरल लॉज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। क्यों? क्योंकि वहां पे साफ साफ दिया गया है इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो बोल रहे हैं आर्टिकल 368 के अंदर जनरल अमेंडमेंट नहीं होते हैं, जनरल लॉ नहीं आता है, कौन सा लॉ आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है। और बोलते हैं आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर नहीं करता है, वो जनरल लॉ कवर करता है, एंड हेंस आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 से गवर्न नहीं होगा, एंड देयरफॉर आर्टिकल 368 में पावर है कि यू कैन इवन अमेंड फंडामेंटल राइट, यू कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, यू कैन टेक एनी फंडामेंटल राइट, यू कैन रिपील एनी फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 368 में आप कुछ भी कर सकते हो और वो 13 से गवर्न नहीं होगा। और वहां पे शंकरी प्रसाद में पहली बार ये जजमेंट आया, तो जो 13 और 368 का कॉन्फ्लिक्ट रेस किया, 368 और 13 का कॉन्फ्लिक्ट रेस किया किसमें? शंकरी प्रसाद में। वो बाइफर्केट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोलती है इनको साथ रेड नहीं करेंगे, ये अलग अलग नहीं, ये एक नहीं, ये अलग अलग। इतनी बात अब कितना को समझ में आई? प्लीज कितना को समझ में आया? प्लीज मर्दू लाया समझ में? अजनी आया? स्तुति बेटा आ गया? कंचन क्लियर है? तनु क्लियर? इधर सबको क्लियर है? मानसी आयुषी क्लियर? दिवेश मैथ्यू क्लियर? सरिता क्लियर है? गुड। साक्षी फतरजा सागर क्लियर? शिवानी क्लियर है ना? आदित्य अन्य क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेयसी क्लियर हो गया ना बेटा? ये सवाल सेकंड टाइम फिर रेज हुआ, दिस सेकंड क्वेश्चन सेकंड टाइम ये सवाल फिर से रेज किया, सेकंड टाइम 1965 में। अब नाउ इट वाज 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पूजे क्या हुआ? मैंने तुमको अनम्यूट किया, बोल सकती हो पूजे, क्या हुआ है बताओ? बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आप उसको ना वीडियो क्लोज करके रखो, बस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो क्लोज कर रखते हैं, चलो ट्राई करो। ठीक है,
तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया गया, ठीक है। ये भी दिस अमेंडमेंट आल्सो रिलेट टू प्रॉपर्टी राइट्स, वो 31A, B, C ऐड किए गए थे, ठीक है, आर्टिकल 31। दिस वाज डन इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान 1965, इट्स वाज अ 5 बेंच। दिस वाज याद रखना, जरूरत तो नहीं वैसे, इट वाज 3 बेंच जजमेंट। तो शंकरी प्रसाद वाज ये 3 बेंच था, ठीक है। देन इट वाज सज्जन सिंह 5 बेंच जजमेंट। इट वाज ब्रॉट अप और इसमें भी इन दिस ऑल्सो सेम क्वेश्चन एज सेम ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज एज शंकरी प्रसाद। तो सारे चैलेंज सेम थे, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 के साथ रीड करना पड़ेगा और जो आपने 13A, B, C, D ऐड किया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आप इस तरीके के एडिशन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 368 को आर्टिकल 13 के साथ रीड करना है, तो आप फंडामेंटल राइट ऐड ही नहीं कर सकते, ना ही आप टेक अवे कर सकते। सेम ग्राउंड सबको याद, पहले वाले याद है ना, वापस रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। सज्जन सिंह वाले ग्राउंड सबको याद है, सेम वो शंकरी प्रसाद वाले सेम ग्राउंड ऑफ चैलेंज लिए सज्जन सिंह में, और सुप्रीम कोर्ट हैड कन्फर्म द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद। उन्होंने सज्जन सिंह में भी शंकरी प्रसाद वाला जजमेंट हेल्ड किया, कंफर्म शंकरी प्रसाद, दैट इज व्हाट दे कंफर्म, दैट इज आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, whereas article 13 talks about legislative law and hence both and hence article 13 cannot take away power of article 368 and parliament can amend, repeal or variation in any part of constitution along with fundamental right. लिख लो। लिख लिया सबने, चलिए मैथ्यू हो गया, लिख लिया, चले आगे। चलिए तो
दो जजमेंट हमने पढ़ लिए, दोनों बात में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि पावर है, एक थ्री जजमेंट है, फर्स्ट इज, एंड आपको ही पूरी सीरीज याद रखनी है। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको सीरीज याद हो जानी चाहिए। तो ठीक है, तो शंकरी प्रसाद आया 1951 में और बोलता है कि आर्टिकल 13 और 368 दोनों अलग अलग रीड करेंगे, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट ओ लेजिस्लेटिव लॉ की बात कर रहा है, 13 और 368 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। एंड हेंस अंडर 368 पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी लॉ में चेंजेस ला सकती है थ्रू द प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है अगर वो प्रोसेस फॉलो किया गया है ढंग से, तो नहीं किया गया तो बात अलग है, उस प्रोसेस को चैलेंज कर सकते हो, बट एक बार प्रोसेस हो गया तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। अंडर 13 सेम थिंग वाज कंफर्म्ड बाय सज्जन सिंह आल्सो इन स्टेट ऑफ राजस्थान, 5 बेंच अगेन। ये सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब थर्ड टाइम रेज होता है, सेम इशू अगेन चैलेंज थर्ड टाइम इन 1967 अगेन, 17th अमेंडमेंट, वॉज चैलेंज, जो अमेंडमेंट सज्जन सिंह ने चैलेंज किया था उसको फिर से अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 1961 में, किस में चैलेंज किया गया, गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। अब ये तीसरे टाइम, तीसरी बार सेम क्वेश्चन रेज किया कि डू पार्लियामेंट हैव पावर to amend the constitution, of constitution का कौन सा fundamental right, do it have power to amend the fundamental right, ठीक है, under article 368, और 13th amendment को ही challenge किया गया गोलकनाथ में, और it was 11 bench judgment। अभी 11 बेंच, 11 बेंच में चला गया, तो समझ रहे हो, तीन शुरू, तीन पे गया, पांच पे गया, अब ये 11 पे आ गया, 11 जज बेंच में होगा। और व्हाट हैपेंड इन दिस गोलकनाथ, दिस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ओवर रूल्ड सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद, कल से आप लोग अपने नाम से नहीं आएंगे तो आई विल नॉट एडमिट यू, मैं आपको आज लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जो लोग कल से नाम से नहीं आएंगे ना उनको मैं एडमिट नहीं करूँगा, है ना, और एक मिनट रुकना, ठीक है, और स्क्रीन पे ही पेन नहीं चलाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्लोज नहीं किया, इसका तो ये नहीं, अब चला के देखो जिसने पेन चलाया, ठीक है, आप चला के देखेगा, अब नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देवेश तू चला रहा है ना, आकाश बता रहा है कि तू चला रहा है, आकाश ने बताया अभी मुझे कि तूने चलाया, कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन पर कुछ भी चला रहा है तो आकाश और देवेश में से कोई एक चला रहा है या रूहुल हो सकता है, हम तीन लोगों पर शक है मुझे, ठीक है, तो आकाश तो इन्फॉर्म कर रहा है मुझे, तो देवेश और रूहुल के ऊपर मुझे शक है, अगर हो तो फिर तुम लोगों को जब भी ये मिले तो इनसे निपट लेना, ठीक है, बलजीत तेरे को और पीयूष को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे निपट लेना, ठीक है, चलो चलते हैं। व्हाट दिस, दिस ओवर रूल्ड शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को ओवर रूल्ड कर दिया, और अब इन्होंने क्या हेल्ड किया गोलकनाथ में, दे हेल्ड द वर्ड लॉ, अब इनका अलग से इंटरप्रिटेशन आगे निकल के समझिएगा, ये बोलते हैं द वर्ड
law in Article 13 is used in generic sense. बोलते हैं जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर वो जेनेरिक सेंस में यूज किया एंड इट इंक्लूड एक मिनट रुकिएगा प्रकाश से बात की जाए अरे चंद्र प्रकाश जी इतना लेट क्यों ज्वाइन किया ये बताइए आप आपको मैंने फ्री कर दिया बताइए जरा आप बोल सकते हैं चंद्र प्रकाश नहीं हुआ हाँ जी क्या बोल सो गया था सो गया था सो गए थे थोड़ा जाग करो प्लीज जा रहे हैं ठीक है चलो चलिए सोना नहीं है सारे लोगों को अगर सोने वाली बात है तो कल से 3 बजे क्लास लूंगा बता रहा हूँ मैं पहले ही अन्य अभी उठा रहे तू कल से 3-4 बजे क्लास देखो तू ठीक है 2 बजे हाँ ठीक है 2 बजे तुम देखते जाओ अभी मैं आज मैं वाले फोन ले आया हूँ जिसमें मैं भी मेरे पास भी वो एक्टिवेटर है ऑफिस वाले फोन ले आया हूँ मैं तो तुम्हारे सबके नंबर अब मेरे पास आ गया तो रात को 12 बजे भी मैसेज आ सकता है कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास है और मैं कॉल करके उठाऊंगा सबको बता रहा हूँ पहले ठीक है तो इन गोलकनाथ वर्ड दे यूज इन गोलकनाथ में ये लोग क्या करते हैं गोलकनाथ में कहते हैं कि ये जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर ये जेनेरिक सेंस में यूज किया यानी कि जनरल सेंस में यूज किया है एंड इट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक है इट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एनहेंस Article 368 have to be read with Article 13 and Parliament have no power. लोग अब जाग जाग के जाग रहे हैं 9:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं सोचिए ठीक है पार्लियामेंट हैव नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ये इन्होंने हेल्ड किया बट साथ में इन्होंने क्या बोला कि 1961 और 1951 से सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद ऑलरेडी चल रहे हैं तो बोलते हैं दिस रूलिंग विल बी अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जो पीछे था उसको फर्क नहीं पड़ेगा बट आगे से नहीं कर सकते आप तो दिस वॉज फर्स्ट टाइम दिस इज इट टू बी अप्लाइड इट इज टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली इसलिए गोलकनाथ को बोला जाता है कि इट इज द फर्स्ट जजमेंट टू अप्लाई द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग तो प्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल किया था इसने ठीक है पहला जजमेंट था जिसने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को एडमिट किया था समझ लीजिएगा अब शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को ओवर रूल कर दिया अब इन्होंने क्या मान लिया तो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह मांग रहे थे कि लॉ 13 का और आर्टिकल 368 का अलग अलग है एक लेजिस्लेटिव लॉ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दोनों अलग भी थे इन्होंने गोलकनाथ में 11 बेंच जजमेंट ने मान लिया नहीं क्या माना कि नहीं नहीं ये वर्ड लॉ जो है आर्टिकल 13 का ये तो जेनेरिक वर्ड है और इट इंक्लूड आर्टिकल 368 also, तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते आर्टिकल 13 के साथ रीड करेंगे आप इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि आप फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर दो यू कैन नॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट
और हुआ क्या इसकी वजह से, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि क्योंकि सज्जन सिंह ने और शंकरी प्रसाद ने ऑलरेडी बहुत सारे जजमेंट्स अलाउ कर दिए हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं, तो हम उनको पीछे से ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पहले हो चुका है हम उसको नहीं बदलेंगे आगे से नहीं, यू कैन नॉट डू इट बियॉन्ड दिस। तो अब 1961 के बाद 67 के बाद आप ये नहीं कर सकते। दिस वॉज गोलकनाथ, यानी कि अब गोलकनाथ में क्या आ गया, तो अभी तक सज्जन सिंह में और शंकरी प्रसाद में आ रहा था कि यू कैन मेक द अमेंडमेंट एंड फंडामेंटल राइट, और अब आ गया एंड पार्लियामेंट हैव नो पावर टू मेक अमेंडमेंट इन पार्ट थ्री एज इट पार्ट थ्री in a manner that take away efforts take as article 13 is to be read together. आप समझ रहे हैं, तो 1951 से लेकर 1967 के बीच तक युद्ध चल रहा था किसके बीच में, जुडिशरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में। गोलकनाथ ने इसमें आग लगा दी बहुत ज्यादा, है ना, देखो ना। और अभी तक तो सज्जन सिंह और शंकर प्रसाद उनकी बात मानते हुए आ रहे थे कि नहीं नहीं करो जो मंच अमेंडमेंट करना है, बट 11 जज बेंच ने गोलकनाथ ने क्या किया, बोला ऐसे कैसे अमेंडमेंट कर दोगे, अगर ऐसा आप अमेंडमेंट करते रहोगे तो एक दिन तो सारे फंडामेंटल राइट ही छीन लोगे हमसे, है ना। अगर 368 हमको तुम्हारे पास अमेंडिंग पावर है, तुम्हारा मन करेगा तो एक दिन तो सारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी राइट टू प्राइवेसी सब छीन लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बात से नाराज होकर, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत लंबी लड़ाई है, है ना, इस बात से चेंज हो गया, देयर कम्स अ 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट आ गया, 24th अमेंडमेंट आया 1971 में, कल पढ़ाया था ना 24th अमेंडमेंट। और 24th अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं किया, दे हैव नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट, दे चेंजेस आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में चेंज किया, और आर्टिकल 368 में चेंज करके क्या क्या किया, एडिट क्लॉज वन, क्या क्लॉज वन कर दिया, दे एडिट क्लॉज वन, व्हाट डू मीन बाय क्लॉज वन, नॉट विद स्टैंडिंग, तो दे एडिट द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग, उन्होंने नॉट विद स्टैंडिंग ऐड कर दिया, और उन्होंने क्लॉज थ्री ऐड किया, प्लीज सी क्लॉज थ्री, और इसका मार्जिनल हेडिंग भी, तो यस मैं भूल ही गया था, इसका मार्जिनल हेडिंग भी चेंज किया, याद है ना कल पढ़ाया था, प्रोसीजरल से प्रोसीजर टोमेंट से लेके क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि गोलकनाथ में उन्होंने इस बात को कमेंट किया था कि जो आर्टिकल 368 है वो पावर नहीं है वो प्रोसेस है, तो उन्होंने क्या करा उसको चेंज करके क्या लिख दिया, मार्जिनल हेडिंग, उन्होंने मार्जिनल हेडिंग चेंज कर दिया, और उन्होंने क्या लिख दिया, दैट इट इज आल्सो द पावर, है ना, तो वर्ड पावर यूज कर लिया, क्लॉज टू में नॉट एक्सटेंडिंग यूज कर लिया, और क्लॉज थ्री ऐड करा, प्लीज रीड क्लॉज थ्री आल्सो, 368 का क्लॉज थ्री रीड करेंगे, Nothing in Article 13 shall apply
to the amendment kahan gaya nothing in article 13 shall apply to amendment made under this article yani ki unhone kya bola article 368 ko article 13 se alag kar diya theek hai save kar diya this is article 13 will not be applicable at the amendment of 368 तो उन्होंने मान लिया कि आर्टिकल 368 के जितने अमेंडमेंट है उनको आर्टिकल 13 से रीड नहीं करोगे प्लस एज अ कॉशन उन्होंने आर्टिकल 13 के अंदर भी अमेंडमेंट किया आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट दे अमेंडेड आर्टिकल 13 आल्सो तो आप आर्टिकल 13 अगर देखेंगे तो अगेन रीड करते हैं आर्टिकल 13 को आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 देखिए ठीक है लिखा हुआ ना इंसर्टेड बाय 24th अमेंडमेंट है ना सब लोगों ने खोला आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 ये कुछ अलग सा नहीं है इन्होंने सिर्फ क्या किया एज अ कॉशन जो चीज वहां लिखी थी आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में वही चीज सेम उठा के यहां भी लिख दी क्लॉज 4 में क्या लिखा आर्टिकल 13 इज नॉट applicable to article 368 caution ले लिया उसने तो उन्होंने क्या किया by 24th amendment they take away the गोलकनाथ उन्होंने गोलकनाथ जजमेंट को चेंज करने की कोशिश की क्यों क्योंकि गोलकनाथ ने उनसे ताकत ले ली किस बात की कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं अमेंड कर सकते तो अब उनको तो करना था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो उन्होंने क्या किया दे चेंज द क्यों क्योंकि 368 में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं ना 368 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट का पार्ट तो दे मेक द अमेंडमेंट इन 368 और 368 में क्या अमेंडमेंट किया 368 के प्रोसेस को फॉलो करते हुए 368 में अमेंडमेंट किया और उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया कि आप क्लॉज 1 ऐड कर दिया और लिख दिया नॉट विदस्टैंडिंग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई भी चीज 368 को ओवरटेक नहीं करेगी पहली बात लिख दी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्योंकि उन बार बार उनका सवाल उठाया जा रहा था कि भाई ये पावर नहीं है प्रोसेस है क्यों क्योंकि क्लॉज 2 में प्रोसेस दे रखा है ना और पहले क्लॉज 1 तो था ही नहीं क्लॉज 2 था खाली तो उन्होंने मार्जिनल हेडिंग में भी लिख दिया कि वी नाउ गेट द पावर तो एक तो क्लॉज 1 ऐड कर दिया जिसमें उन्होंने अपने आप को पावर दे दी प्लस उन्होंने मार्जिनल हेड कर दिया ठीक है थर्ड उन्होंने क्या किया क्लॉज 3 ऐड किया और बोला कि भैया 368 के जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 पे नहीं लग आर्टिकल 13 जो है वो 368 के अमेंडमेंट पे नहीं लगता है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया वो क्वेश्चन क्या लिया कि आर्टिकल 13 में भी लिख दिया कि इसके जो अमेंडमेंट है वो हमारे कुछ लोग अब सो के उठे हैं ना 9:30 बजे कुछ लोग 9:30 बजे सो के उठ रहे हैं और वो मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं वेरी गुड ठीक है कुछ नहीं हो सकता बहुत बढ़िया चलिए कोई बात नहीं गुड पता ये नेटवर्क मैंने अभी आई हैव बॉट इट दिस नेटवर्क 1,25,000 का ये नेटवर्क लिया मैंने सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसके सस्ते वाले भी वर्जन मिल रहे थे मैंने सस्ता वर्जन नहीं लिया सस्ते वर्जन में क्या था मेरी ये स्क्रीन नहीं आती मैं पीपीटी बना के तुमको देता और उसकी वीडियो आती आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद यू बट मैंने ये वर्जन लिया ताकि तुम लोगों को मैं फैसिलिटेट करूँ बाकी मुझे तो मजे आ रहे थे ना मैं तो आराम से घर बैठा हुआ ठीक है मुझे क्या है मुझसे तो कोई आके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता तुम में से कोई बोलेगा क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ मैंने तो बंद नहीं किया हुआ और फिर मैं तो यहाँ सोच रहा था कि सामान वाल सारा ले जाता हूँ घर शिफ्ट हो जाता हूँ और अपने सारे फोन ऑफ कर दूंगा तुम्हारे पैसे मार के चला जाऊंगा दिस इज डन फॉर योर फैसिलिटीज है ना मेरा क्या मैं तो बहुत गरीब आदमी मुझे तो तुम ढूंढ भी नहीं सकते है ना और फिर मुकदमे मुकदमे करोगे तो देखा जाएगा कोई टेंशन नहीं है मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी उठो ना भाई तुमको लाइफ ने इतना सही मौका दिया ना तुम यू आर सो लकी पीपल ये कोरोना वायरस नहीं आया ये तुम्हारे लिए लक है लक इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 काय का क्लॉज 1 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 बिटवीन बेटा कौन से उसकी बात कर रहा है तू देवेश
इज देयर, अरे पूरा डिफरेंस है, क्लॉज 1 के अंदर पावर दे रखी है, क्लॉज 3 के अंदर उन्होंने ये बता रखा है कि आर्टिकल 13 पे नहीं लगेगा ये, और 4 हमने अभी पढ़ा नहीं है तो 4 के बारे में बात ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस, वरना एक ही बात को चार बार थोड़ी लिखेंगे। क्लॉज 1 में उनके पास पावर है, वो पावर जब वो यूज कर लेंगे तो वो 13 पे नहीं लगेगी, और 13 को यही चीज 13 के क्लॉज 4 में भी कही गई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोग इसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है घर पे, मुझे नहीं लगता 20-22 घंटे कभी आपको इतना अच्छा टाइम मिला होगा घर पे पढ़ने के लिए। अपॉर्चुनिटीज है, इसको ग्रैब कीजिए। शुरू शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपने अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि नहीं मुझको तो पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है, तो आप कर सकते हो। अगर प्रेशर नहीं क्रिएट किया हुआ, मेरी तरह ऐसे ही आवारा हो तो सुबह पढ़ाओगे और पढ़ोगे और फिर 2 घंटे सो जाओगे, तो लाइक मैं भी तुमको पढ़ा के पूरा दिन सोता हूँ, है ना, तो ऐसे तुम भी कर सकते हो। बट मेरा क्या है, मैं अपना काम कर चुका हूँ लाइफ में, तुमको भी बहुत सारा काम करना है, तो तुम कुछ भी मतलब प्लीज टेक सम टाइम रात को। अब तो शेड्यूल सही कर सकते हो अपनी लाइफ का, सुबह शाम को जल्दी सो जाओ 9 बजे, सुबह 5 बजे उठ जाओ, आपके पास 1.5 महीना 21 दिन में तो सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो तुम शेड्यूल नहीं चेंज कर सकते, 21 दिन का तुमको बंद रखा हुआ है अंदर, तो 21 दिन के लिए रूल बना लो कि रात को 9 बजे सो जाओ। अब तुम रात को 9 बजे तो नेटफ्लिक्स खोलते हो, सुबह 2:30-3 बजे तक नेटफ्लिक्स चल रहा है ना, फिर आजकल तो नेटफ्लिक्स फुल ऑन चल रहा होगा ना सबका, या टीवी चल रहा होगा और कोई घर वाला कुछ बोलता होगा तो सीधा सा आप बात बोलते होगे, यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है, कुछ करने को नहीं है, तो किताबें नहीं दिख रही ना तुम लोगों को, तो देख लो प्लीज, ऐसा मत करो, गलत है। तो प्लीज 24th अमेंडमेंट कितनों को समझ आया, चेंज समझ आया, यानी कि 24th अमेंडमेंट ने फिर से पावर दे दी, ये पावर दे दी सारी की सारी, उन्होंने अपने वापस जो पावर उनसे गोलकनाथ ने ले ली थी वो उन्होंने 24th अमेंडमेंट से अपने आप को वापस कर ली। तो अभी समझिएगा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम फिर वापस आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले शंकरी प्रसाद में फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनके पास पावर है, जो मन चाहे चेंज करे। सज्जन सिंह ने इसको कंफर्म किया, गोलकनाथ ने इसको ओवर रूल्ड किया और बोलता है नहीं आपके पास सारी पावर है बट फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर नहीं है। इस बात से नाराज होकर 24th अमेंडमेंट किया और 24th अमेंडमेंट में 368 पे अमेंडमेंट करके उन्होंने अपने आपको सारी पावर्स दे दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड यूज कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, ठीक है। ये वाला जो अमेंडमेंट था ना, एक ये अमेंडमेंट और एक और था 25, फिर आया केशवानंदन भारती, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये आया केशवानंद भारती आया और इसके अंदर अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट। तो हम 24th अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे 25th में, क्योंकि हमने 24th पढ़ा है। तो 24th अमेंडमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये अमेंडमेंट पूरा वाज चैलेंजिंग केशवानंद भारती, केशवानंद भारती में इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। बोलते हैं कि हाउ कैन यू डू सच टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स नॉट अलाउड बिकॉज़। अब ये बताओ, ये जजमेंट कितने बेंच जजमेंट था, सबको पता है ना, इट वाज 13 बेंच। व्हाई इट वाज 13 बेंच, why it was 13 bench exactly, because गोलकनाथ आ चुका था पहले 11 bench judgment, तो ये उसी की line में था। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ में पहले से held हो रखा था कि power है parliament को amend करने की या नहीं है, तो उन्होंने पहले held कर दिया था नहीं है, तो गोलकनाथ भी तो challenge था इसमें। तो सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और आर्टिकल 24 जो हमने पीछे चारों पढ़ा, चारों की चारों चीजें इसके अंदर challenged थी केशवानंद भारती, इसलिए ये हायर बेंच पे गया और केशवानंदन भारती ने हेल्ड किया। दे कंफर्म्ड ओवर रूल्ड गोलकनाथ, एंड कंफर्म्ड स्टेट ऑफ
Shankari Prasad and Sir Joseph. That means what they held. Keshavanandan Bharti ne kya kiya? Keshavanandan Bharti bolta hai ki Parliament have power to make the amendment in the Constitution Part 3 and Article 13 and Article 368 are talking about different laws. So they held that Parliament under 368 have power to amend FR and Article 30 does not bar it because Article 13 talks about legislative law, whereas Article 368 talks about constituent. ठीक और देयरफॉर इन्होंने क्या बोला देयरफॉर 24th अमेंडमेंट इज वैलिड. कितने लोगों को ये बात समझ यहां तक कितने लोगों को समझ आ गया प्लीज केशवानंदन भारती तक की बात कितने तो शंकरी प्रसाद से शुरू हुए केशवानंदन भारती पे खत्म हुए और हमने लास्ट में उसका आंसर जो हमने क्वेश्चन रेज किया था कैन द पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ वे दैट इट मे अब्रिज द फंडामेंटल राइट आंसर इज यस इट कैन. तो केशवानंदन भारती ने इसे कंफर्म कर दिया. केशवानंदन भारती वी रीड विद 24th अमेंडमेंट जो हमने कल पढ़ा था तो तभी तो मैंने वर्ड नॉट रेजिस्टेंडिंग को मतलब बताया था कि इट इज ओवरराइडिंग इवन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएससीपी इज इंक्लूडेड. तो केशवानंदन भारती ने बोल दिया. बट केशवानंदन भारती यहीं पे नहीं रुका. केशवानंदन भारती हैज नॉट स्टॉप्ड हियर. राघव शांत बैठ जा. ठीक है ये राघव मुझसे पूछ रहा है सर केशवानंदन भारती में बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं. जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ले यार. अभी बेसिक स्ट्रक्चर तुझे पता है क्या है बेसिक स्ट्रक्चर. चल बता कहाँ ये राघव है का. रुको एक मिनट आकाश राघव को ढूंढ रहा है कहाँ पे. मुझे मिल नहीं रहा है दिख नहीं रहा इसमें से कहीं पे. अच्छा आर्टिकल 13 टॉक्स ठीक है about legislative law, whereas article 368 talks about constituent law. ठीक है सरिता ये राघव नहीं मिला मुझे वरना मैं आज इसको भी ठीक कर देता. ठीक है चलो कोई नहीं. because देखा देखना They held that the parliament under 360 have power to amend fundamental right and article 13 does not bar it because article 13 talks about legislative law whereas article 368 talks about constituent law, right? ठीक है चलिए. बट केशवानंदन भारती यहां तक नहीं रुका. केशवानंदन भारती ने इसके आगे मूव किया और बोलता है बट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड the basic structure
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड देयरफॉर दे प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. Supreme Court propounded theory of basic structure. तो केशवनंदन भारती में उन्होंने बोल दिया कि आपको फंडामेंटल राइट खत्म करने हैं, खत्म करो. आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उड़ाना है, उड़ा दो. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिलीट करना है, डिलीट कर दो. बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. तो उन्होंने उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की केशवनंदन भारती में लिस्ट दी. जैसे व्हाट आर उनसे पूछा गया, व्हाट डू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर, तो उनसे बोला गया फॉर एग्जांपल सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसमें वो अपने आप को सुप्रीम बता दे, कभी भी नहीं. सेकेंड, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ये बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है. तीन, पावर, नॉट सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है केशवनंदन भारती में बोलते हैं. और उसके बाद बोलते हैं बट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड द जज विल डिसाइड एवरी टाइम. द जज विल डिसाइड every time according to facts of the case whether a particular thing is basic structure not. तो हमारे इस सवाल का जो जवाब आया निकल के वो ये आया कि पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि इट हैव पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स आल्सो, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर तो सबको ही पता था, है ना, बट ये आंसर आया कैसे वो समझाने की कोशिश कर रहा था. कितने लोगों को, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर इज यस, पार्लियामेंट हैव पावर अंडर आर्टिकल 368 to amend the fundamental rights, but it does not have power to amend the basic structure of the constitution. No, basic structure बहुत सारा. अभी आजकल तो judicial review is a basic structure, secularism is a basic structure, socialist is a basic, बहुत सारे basic structure develop हो गए हैं with the passage of time. 1970s के बाद बहुत basic structure develop हुए.
अब आपको समझ में आया कि 1968 के अंदर 24th अमेंडमेंट आया क्यों, पुरानी सिचुएशन क्या थी और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो प्लीज, कितने लोगों को समझ में आ गया है हाथ खड़ा कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक, वेरी गुड, गुड गुड गुड, मेरे तो आ गया ना। ठीक है, थैंक यू, ठीक है ठीक, चलिए वेरी गुड। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि 368 पढ़ लिया हमने, 368 का क्लॉज 1 पढ़ लिया, क्लॉज 2 पढ़ लिया, क्लॉज 3 पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया 368 का आर्टिकल 13 से कनेक्शन क्या है, और हमने ये पढ़ लिया कि 368 और आर्टिकल 13 1973 के बाद अलग अलग हो गए, उससे पहले उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता था बट अब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 24th अमेंडमेंट के बाद और केशव नंदन भारती के बाद ऑलरेडी उसके अंदर क्लॉज एडेड है। ठीक है, तो नाउ वी विल गो इनटू द आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, अब हम उसको पढ़ेंगे। We'll move on to new clauses. This article 4 and clause 4, clause 4 and clause 5 was added by 42nd amendment. 42nd amendment in 1973. This article 4 clause 4 और 5 को एक बार read करूंगा और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, clause 4 says no amendment of this constitution including the provisions of part 3। तो बोलते हैं कि अगर हम कोई भी amendment करते हैं even in the part 3 यानी कि even in the fundamental right made or purporting to have been made under this article, whether before the commencement of the 42nd amendment or after, shall be called in question in any court on any ground. That means article 368 clause 4 42nd amendment mein kiya aur unhone ye kya bola, clause 4 ke andar they take up the power of judicial review from the court. Bolte hain ki court cannot do the judicial review of the amendment made under article 368. Aur clause 4 padhta hu, for the removal of doubt, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of the parliament to amend by way of addition, variation, repeal the provision of the constitution. और वो ये भी बोलते हैं clause 5 में, यानी कि they try to take up the Keshav Nandan Bharti, है ना, और वो ये बोलते हैं कि किसी भी provision में you cannot मतलब parliament की जो power है, supreme power है, उसको आप टेक अवे नहीं करेंगे, मतलब पार्लियामेंट की पावर को क्वेश्चन नहीं करेंगे। दीज टू क्लॉज वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइवे से वॉइड, क्लॉज डिक्लेयर्ड वॉइड एज दे ट्राइज टू टेक अवे बेसिक स्ट्रक्चर of constitution. ठीक है, in Minerva Mill versus Minerva Mills versus Union of India. तो ये जो ये दोनों क्लॉज जो थे
ये दोनों ही क्लॉज अब आज की डेट में रीड नहीं करने हमको, बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड वॉइड इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. व्हाई दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, अभी भी लिखे हुए क्यों है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको अमेंड नहीं किया, बिकॉज ये वॉइड डिक्लेयर किए गए बाय जजमेंट, तो जजमेंट कैन बी ओवर रूल्ड एनी डे, तो दे आर वेटिंग फॉर द ओवर रूलिंग ऑफ इट मिनर्वा मिल, बट कभी होगा नहीं ऐसा, डोंट वरी. क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकता, वो बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो अब ये दो तो आपने वेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिएगा, 4 and 5 इज नॉट टू बी रीड, दे आर डिक्लेयर्ड वॉइड इन मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो दिवेश आपको आंसर मिल गया अपना, कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया दिवेश, पिछले बार से अलग है? Yes, अभी ज्यादा समझ में आ रहा है? हाँ सर. है सर, डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है. फिर फायदा हो गया तेरे को, डबल फायदा होगा ना? जी सर. अभी मैंने सबको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लेना है, बट नोबडी इज विलिंग. मैंने सबको भेज रहा हूँ ना लिंक, बट माने नहीं कोई. चलिए श्रेया, समझ में आया तेरे को? पक्का आ गया सर? फिर ठीक है, तेरे सर से ठीक है? हाँ बहुत ज्यादा. फिर ठीक है, समझ आना चाहिए. तो कितने लोगों को आर्टिकल 368 का पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई है? तो 368 शुरू हुआ 1950 से, और 1951 में सज्जन सिंह ने में इसमें चैलेंज आया, ये सरवाइव कर गया. शंकरी प्रसाद में चैलेंज आया, ये सरवाइव कर गया, और माना गया कि आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 13 जो है वो लेजिस्लेटिव लॉ की बात करता है. ठीक है, बट इसी में व्हाट हैपेंड दैट, सागर बोलो क्या, सागर को शायद कोई सवाल है. एक मिनट सागर, मैंने अनम्यूट किया. सागर बोलो. नहीं सर, गलती से रेज हैंड हो गया था, लोअर कर दिया. ठीक है, ओके. ठीक है, तो फिर गोलकनाथ आया, और गोलकनाथ ने सज्जन सिंह को और शंकरी प्रसाद को ओवर रूल किया, और बोलते हैं कि आर्टिकल 368 का जो लॉ है वो आर्टिकल 13 के साथ ही रीड करना है, और इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो पार्ट 3 के अंदर कोई ऐसा लॉ बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर दे. इस बात को समझ के गोलकनाथ को ओवरटेक करने के लिए वो 24th अमेंडमेंट ले आए, और 24th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या है, क्योंकि गोलकनाथ में पहला जो ग्राउंड बनाया था उन्होंने वो ये बनाया था कि भैया 368 टॉक अबाउट द प्रोसेस नॉट द पावर. तो आपका पावर कहाँ है? पावर तो जनरल लॉ वाली पावर है आपके पास. तो उन्होंने क्या किया, मार्जिनल हेड में चेंज कर दिया और वहां पर वर्ड पावर यूज कर लिया. फिर उन्होंने, क्योंकि गोलकनाथ में 13 को जेनेरिक सेंस में यूज किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, नॉट वर्द स्टैंडिंग वर्ड यूज किया, आर्टिकल 368 क्लॉज 1 ऐड कर दिया और नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड यूज कर लिया, और बोला कि अब से ही नॉट विद स्टैंडिंग है, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब यह है कि आर्टिकल 13 को ओवरटेक कर दिया. फिर उन्होंने एक और प्रिकॉशन लिया 24th अमेंडमेंट में ही, कि उन्होंने आर्टिकल 368 के क्लॉज 3 में ये बात भी लिख दी कि भैया आर्टिकल 13 विल नॉट गवर्न आर्टिकल 368. फिर इसी के लिए आर्टिकल 24 में ही एक और प्रिकॉशन लिया, और उन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में भी ये लिख दिया कि जो आर्टिकल 13 है वो 368 पे नहीं लगेगा. ये चार प्रिकॉशन ले लिए. ये अमेंडमेंट जो था ये चैलेंज हो गया केशव नंदन भारती. जब केशव नंदन भारती ने अमेंडमेंट को चैलेंज किया, तो केशवानंदन भारती ने पहली बात तो ये कहा कि ये अमेंडमेंट वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
सेकंड उन्होंने बोला गोलकनाथ अपने आप में कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो जहां जहां गोलकनाथ ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद को ओवर रूल किया था वहां वहां गोलकनाथ को ओवर रूल करके सज्जन सिंह को और शंकरी प्रसाद को कंफर्म कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स आल्सो, इट कैन अमेंड इट। बट वहीं पे वो एक स्टेप आगे चले गए क्योंकि गोलकनाथ ने एक्सप्लेन किया था इसको, तो गोलकनाथ की एक्सप्लेनेशन को आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि बट देयर आर सर्टेन बेसिक नॉर्म्स, क्यों, क्योंकि गोलकनाथ को जो उन्हें ओवर रूल करते वक्त एक डर दिखाया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप हर बार पार्लियामेंट को पावर दे देंगे फंडामेंटल राइट को ओवर रूल करने की तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर देगी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खत्म ही हो जाएंगे। तो उस डर को बचाने के लिए केशव नंदन भारती बोलता है कि फंडामेंटल राइट डज नॉट मीन्स रिटन राइट, दे कैन बी अनरिटन ऑल्सो, दे कैन बी एनीथिंग ऑल्सो, बेसिकली वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बोलते हैं आप कुछ भी करोगे आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करोगे। तो उनसे पूछा भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बोलते हैं तीन चार तो हम अभी बता देते हैं आपको, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी उन्होंने उस समय बताया था, बहुत सारी चीजें बताई, बोल रहे बट ये लिस्ट जो है ना ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये डेवलप होती जाएगी धीरे धीरे, और ये हर बार जज के सामने जब भी जजमेंट आएगा फैक्ट आएंगे तब उसको बहुत बताएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ये है या नहीं है, ठीक है। इसी ग्राउंड पर वो आए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ, और 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, केशव नंदन भारती को ओवरटेक करने के लिए, और केशव नंदन भारती को बेसिक स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन हुआ नहीं था उस दिन तक, आज तक एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, दे टेक अप द जुडिशियल रिव्यू की पावर, क्यों, क्योंकि केशव नंदन भारती ने बोल दिया पार्लियामेंट ने कि पार्लियामेंट कैन टेक एनी पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी अमेंड कर सकती है, तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की पावर ले ली क्लॉज 4 में और बोला कि कोर्ट के पास पावर नहीं है 368 के अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने की। ये जो 42nd का ये 368 पूरा 42nd अमेंडमेंट नहीं, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट जो था बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत सारे आर्टिकल्स में लगता है, उसमें से 368 का ये वाला पोर्शन चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स में, और मिनर्वा मिल्स ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर and you cannot take away the basic structure and therefore these clause 4 and 5 tries to take away the basic structure of the constitution and hence these two clause are unconstitutional and this is how everything has changed. To aaj ka jo scenario wo ab hamare samne hai, kitne logo ko ye clear, how many people are clear with this, bilkul ekdam first class mind ke sath, because I am done with 368. मेरे तो लोग ना समझ में आया, सरिता बेटा आ गया, आयुषी, चलिए डिक्टेशन करनी है, जरूरत ही नहीं है डिक्टेशन की, इतना सारा तो लिख के दिया, डिक्टेशन जरूरत है, डिक्टेशन एक घंटा कैसे माइक पर डिक्टेट कर वो बता रहा, चलो डिक्टेशन का सोचते हैं, पेज छोड़ दो, डू लीव 4 पेजेस एटलीस्ट, 4 to 5 or 6 पेजेस छोड़ दो, ठीक है, मैं हल्का सा प्रीएम्बल पे जाना चाहता हूँ, 4 to 5 पेज छोड़ दो ताकि कल मैं आके डिक्टेशन कर दूंगा, तो कल डिक्टेट करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ, यस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज वो तो केशव नंदन भारती बोल दिया, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इसी को तो बोलते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर था, चार पांच पेज छोड़ दीजिए, ठीक है, कल 5 पेज का रिटेशन करेंगे, बिकॉज अभी तो टाइम भी नहीं है, मैं सिर्फ अभी नए टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव द रीडिंग टू द प्रीएम्बल, कल डिक्टेट करेंगे और प्रीएम्बल को फिर समझना शुरू करेंगे। चलिए लेट अस गो इनटू द प्रीएम्बल, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रीएम्बल, ठीक है, चलिए सर लोग प्रीएम्बल खोल लीजिए।
कितने वर्ड्स हैं प्रीएम्बल में, किसी को पता है? चलो सर लोग गिनना जरा कितने वर्ड्स हैं प्रीएम्बल में। मुझे नहीं पता, वेरी गुड, 87 वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखना आपको, इंक्लूड 87 वर्ड्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, 3 वर्ड्स का अमेंडमेंट, 4 वर्ड का अमेंडमेंट है। प्रीएम्बल जो था व्हाट इज प्रीएम्बल, तो एक मिनट रुको, मेरा कचरे वाला है, जस्ट मेक मी श्योर कि मैं कचरा फेंक के आता हूँ, है ना। आई शुड टेक द प्रिविलेजेस ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तो आई एम ऑफिंग डूइंग माय वीडियो ऑफ फॉर अ सेकंड। आवाज आ रही है ना अभी? डन। तो ये बताइए प्रीएम्बल होता क्या है, व्हाट इज द प्रीएम्बल, ये बनता कब? बेसिकली प्रीएम्बल अगर आप देखें ना, प्रीएम्बल शोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, और रीजनिंग्स ऑफ लॉ, ये ऑब्जेक्टिव और रीजनिंग्स हैं लॉ की। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई लॉ, वेन एवर वी हैव टू मेक एनी लॉ, जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, व्हेनेवर वी ड्राफ्ट एनी लॉ, ठीक है, वी फर्स्ट ड्राफ्ट द प्रीएम्बल। तो वी कैन से प्रीएम्बल इज द की टू द लेजिस्लेशन, की टू लेजिस्लेशन। ठीक है, तो की है ये लेजिस्लेशन की हमेशा। तो अगर मैं बात करूं, इट इज अ टॉर्च that show the path of drafting of legislation. It is the torch that show the draft
of legislation जो legislation के draft को समझाती है ये वो for example मैं आपको देखूं मुझे तो suppose एक काली गुफा है अब इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता ना this is if I say ये है प्रीएम्बल इस और इस लाइन में जो ड्राफ्ट होगा ये प्रीएम्बल जिस तरफ लाइन है दिस इज नोन एज लेजिस्लेशन तो ये एक टॉर्च की तरह काम करता है जो आपको ये बताता है कि ड्राफ्ट जो लॉ ड्राफ्ट होने वाला कि वो किस लाइन ऑफ जोन में ड्राफ्ट होगा तो किसी भी लॉ को ड्राफ्ट करने से पहले उसका प्रीएम्बल का ड्राफ्ट होना मैंडेट है व्हेनेवर लॉ इज टू बी ड्राफ्ट बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ द प्रीएम्बल इज ऑलवेज ड्राफ्टेड बेसिक बिल्कुल जनरल तो प्रीएम्बल मीन प्रस्तावना प्रस्तावना का मतलब कि जब हम किसी भी चीज को ड्राफ्ट करने वाले हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग का मेन पर्पस क्या होने वाला है फोकस क्या होने वाला है हम उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं पहले ठीक है तो फिर जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम उसका एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते नहीं करते पहले सेम वे अगर हम कोई आंसर लिखते हैं तो हम उसकी सिनॉप्सिस ड्राफ्ट करते हैं पहले सेम वे अगर हम कोई लॉ लेजिस्लेट करने वाले हैं तो हम पहले प्रीएम्बल ड्राफ्ट करते हैं और उस प्रीएम्बल की लाइन ऑफ जोन में हम फिर वो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करते हैं तो एक चीज सबको क्लियर हो गई कि प्रीएम्बल पहले ड्राफ्ट होता है और उसके बाद लेजिस्लेशन ड्राफ्ट होता है दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रीएम्बल ठीक है दिस इज व्हाट प्रीएम्बल इज दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इज But what about the preamble of, if I talk the preamble of constitution? If you talk about the preamble of constitution, ये बड़ा issue है. Preamble of constitution was drafted after the constitution. ठीक है तो इंडियन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड फर्स्ट एंड मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ उसके ड्राफ्ट होने के बाद उसको पढ़ने के बाद प्रीएम्बल ड्राफ्ट हुआ वेयर एज सारी दुनिया में पहले प्रीएम्बल ड्राफ्ट होता है और फिर क्या ड्राफ्ट होता है लॉ तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना है तो पहले प्रीएम्बल ड्राफ्ट होगा उसको बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पिक्लैरिटी है कि पहले लॉ बन गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद उसको प्रीएम्बल बना इस पिक्युलैरिटी की वजह से
एक क्वेश्चन रेज हो गया इंडियन जुडिशरी के अंदर कि डू प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को पार्ट होने के लिए या तो वो उससे पहले या उसके साथ, तो प्रीएम्बल को हमेशा लॉ का पार्ट होने के लिए पहले ड्राफ्ट होना होता है. क्यों? क्योंकि लॉ उसके बेसिस पे बनता है. बट यहाँ पे इंडिया में तो उल्टा हो गया, लॉ पहले बना और प्रीएम्बल बात को बना. तो इसकी वजह से एक क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ऐसा प्रीएम्बल जो बात को बना, क्या वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो सकता है? क्यों? क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेसिस पे नहीं बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बना है. तो हाउ कैन इट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये एक सवाल है. बिफोर गेटिंग इनटू प्रीएम्बल रीडिंग, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें फाइंड करना है कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. रीजन फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इसको फाइंड आंसर को ढूंढने, क्वेश्चन रेज करने का और आंसर ढूंढने की वजह बहुत सिंपल है कि नॉर्मली किसी भी लॉ का, किसी भी चीज को, किसी भी लॉ का पार्ट होने के लिए, स्पेशली प्रीएम्बल को उसका पार्ट बनने के लिए पहले ड्राफ्ट होना होता है और उसके बेसिस पे वो लॉ ड्राफ्ट होता है. अगर ऐसा है तो प्रीएम्बल पर से उसका पार्ट है या फिर किसी भी चीज को उसके साथ ड्राफ्ट होना पड़ता है. बट अगर प्रीएम्बल किसी लॉ के बनने के बाद बने तो फिर ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि ऐसा प्रीएम्बल जो है वो अपने आप में लॉ है या नहीं, है ना? वो प्रीएम्बल अपने आप में उस लॉ का हिस्सा है या नहीं है. तो कल हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर प्रीएम्बल. आज समझने की कोशिश करेंगे बात को, डोंट वरी, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है उसको कल पढ़ेंगे. ऑब्वियस है, आई नो सबको पता है कि केशव, अब सबको पता है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ सभी को पता है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन. सभी को मुझसे ज्यादा पता है, आई नो मुझे, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे वीक है. ठीक है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से. आजकल एक आधा घंटा आप लोग आते हो पढ़ाते हो, मुझे थोड़ा बहुत तो मैं सीख लेता हूँ. प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा डरता हूँ. बट वेट करो आज, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? वैसे कल मैंने सुना तो तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं तुमको अनम्यूट कर सकता. तुमको मेरी आवाज आ रही है ना आज अभी? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर. यस, ठीक है. तो डोंट वरी, कल तक अपडेट करते हैं उसको समझेंगे. आज तुम बड़ी लेट आए ना आज? नो सर, मैं आई वाज प्रेजेंट फ्रॉम 9:25. 9:25 और क्लास कितने बजे से थी सर? सॉरी, मैंने देखा नहीं होगा, आई एम सॉरी. 8:30 से क्लास थी, एक घंटा लेट थे आप. और रोज की टाइमिंग देख लिया करो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन सुबह 6 बजे भी क्लास हो जाए, सुबह 4 बजे भी हो जाए. ठीक है, तो आई एम पीपल. तो 21 दिन मोदी जी नहीं, मैं भी तुमको चेक कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो आप हमेशा मैसेज देखा करो. कुछ लोगों ने 9 बजे ज्वाइन किया, तो यू मेक श्योर की 8:30 से क्लास हो रही है. ठीक है, ओके सर, ओके. चलिए, तो आपको प्लीज इतना समझ में आया, कल को हम इसको पढ़ेंगे. डू प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर है तो कैसे है, क्या क्या हुआ. तो फ्रॉम री बैरूबरी टू ऑब्वियस केशवानंदन भारती अगेन हम पढ़ेंगे, गोलकनाथ भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे. प्लस विल टुमारो विल स्टडी द प्रीएम्बल. तो कल हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे. तो अगर आप आज बैठ के घर पे प्रीएम्बल पढ़िए, तो हम कल पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो वी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, have solemnly resolved to constitute India into, so we will try to understand the meaning of sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure all its citizens, justice. So tomorrow we'll understand what do you mean by justice, what do you mean by social justice, what do you mean by economic justice, what do you mean by political justice. Same way we'll try to understand liberty. So when we'll understand the liberty, we'll understand the liberty of thought, liberty of expression, we'll understand the liberty of belief, faith, and worship. Then we will understand the equality. And when we will understand the equality, we will understand the equality into the light of equality of status and equality of opportunity. And the promoting among them all, fraternity. So we will try to understand the fraternity. Then we will try to understand what do you mean by dignity. What do you mean by dignity of individual and dignity of the society. And we will try to understand the
मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक, तो कल हम इसको पूरे को समझेंगे और यहीं से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री करते जाएंगे. तो विल बी सोशलिस्ट वर्ल्ड का मतलब कहाँ कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है उसको समझेंगे. ठीक है, तो टिल देन टुमारो आपको मैसेज पहुंच जाएगा. प्लीज उस मैसेज में टाइमिंग देख लीजिएगा, स्टार्टअप टाइम दिया होता है उस मैसेज के अंदर. ठीक है, आप उस स्टार्टअप टाइम पे आ जाइए. मैं आपका 5 या 10 मिनट वेट करता हूँ. नो डाउट कुछ लोगों को ज्वाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं 5-10 मिनट वेट करता हूँ उतना से. तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज 8:30 है तो 8:30 से पहले होगा, बट 8:30 से तो आई एम कमिंग अप टू शायद कल 8 से 10 बजे. आई एम कमिंग विद द टाइम थोड़ा थोड़ा रिड्यूस. ठीक है, तो मैं 21 दिन के अंदर आपको फॉर श्योर किसी दिन मॉर्निंग में 4:30 बजे क्लास पक्का लूंगा. एंड आई हैव अ प्लान फॉर दैट. तो मैं लूंगा क्योंकि मुझे देखना है. और ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है ये मेरे को बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मैंने सोचा है कि जब हमारी यहाँ क्लास हुआ करेगी उसके बाद जब आपके एग्जाम, जिन जिन लोगों के एग्जाम होते हैं वो रात में कितना पढ़ रहे हैं, वो इससे इसके थ्रू रहेगा. ठीक है, तो आई विल बी आस्किंग देम. ठीक है. पूजा इज सेइंग 6 बजे क्लास रखो, नेट का इशू भी नहीं होगा. ठीक है, मैं सुबह 6 बजे भी रख लेता हूँ. अब नेट का इशू का ये है कि सब लोग वाईफाई लगवा लो. ठीक है, मैं अपने वाईफाई के चक्कर में अपना गांव छोड़ के यहाँ आया हूँ. मेरे माई फादर इज अब्यूसिंग मी एवरी डे कि तुम अकेले वहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, बट मेरे गाँव में वाईफाई नहीं आता तो मैं यहाँ आ गया. तो आप लोगों को, जिन जिन लोगों के गाँव में वाईफाई नहीं आता, अपने गाँव के प्रधान के पास घर जाओ और वाईफाई लगवा लो. ठीक है, एंड जो तो जो NCR में रहते हैं अगर उन्होंने वाईफाई नहीं लगा रखा है तो बड़ा मुश्किल है. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच. मेक श्योर बी सेफ, स्टे हेल्दी. कल मिलते हैं. कल का टाइम प्लीज सर लोग देखते रहिए. अगर किसी को कोई सवाल है ठीक है तो कर सकते हैं. ठीक है, किसी को कोई सवाल है मैं क्लोज कर सकता हूँ मीटिंग. वॉन्ट मी टू एंड द सेशन. ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, किसी को, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय यू, बाय.